और आपको कष्ट हमने केवल इस बात के लिए दिया है कि हम जो 9 अगस्त की भारत बंद की कॉल है उसको हम विड्रॉ नहीं कर रहे, हम केवल उसको कुछ समय के लिए मुलतवी कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो प्रोग्राम हमारे अभी तक तय हैं, चाहे वो हमारे साथ जो संगठन हैं किसानों के, जवानों के, उनके कार्यक्रम एज शेड्यूल्ड होंगे, और दलितों ने भी पूरे देश में, दलितों और आदिवासियों ने भी पूरे देश में जो प्रोग्राम तय किए हैं वो प्रोग्राम एज शेड्यूल जहाँ पर है वहाँ पे वो करेंगे, और सरकार को जगह जगह पर वो ज्ञापन देंगे, और सरकार को बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं, अब ये संघर्ष जो है जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, हम लगातार आंदोलन में रहेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था और लगातार सूचित करते रहे हैं कि ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा 2 अप्रैल का जो भारत बंद हुआ उसके बाद देश भर के तमाम संगठनों का जो प्रयास था उसको कंसोलिडेट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जो हम लोगों ने 2 अप्रैल को सरकार को कहा था कि 30 जुलाई तक सरकार हमारी सारी मांगे माने अन्यथा हम 9 अगस्त को भारत बंद करेंगे, उसमें हमारी प्रमुख मांग थी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट को सरकार, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उस पर जो असर पड़ा है उसको दूर करने के लिए उसमें संशोधन करे, उसको रिस्टोर करे। भारत बंद की कॉल का पूरे देश और समाज पे जो व्यापक असर हुआ है उसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि न केवल पूरा दलित और आदिवासी समाज बल्कि सरकार में भी इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि इस भारत बंद के व्यापक असर को देखते हुए एनडीए के जो एलाइज हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके जो सांसद हैं, समाज के दबाव को देखते हुए उनको मजबूरी में सामने आकर यह कहना पड़ा यदि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार नियम को कानून को अगर पुनर्स्थापित नहीं करती है तो उनको भी भारत बंद का समर्थन करना पड़ेगा। ये हमारे आंदोलन का असर था और ये असर आगे आने वाले दिनों में और मजबूत करने की प्रक्रिया चालू है। इस दौरान हमने देश के तमाम जो संसद में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कोटे से चुनकर आते हैं, हम लोगों ने सबसे संपर्क किया, सबको एक चिट्ठी दी। इसका सबका नतीजा ये हुआ कि 7 तारीख को सरकार ने, 6 तारीख को सरकार ने संसद में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट को लोकसभा में संशोधन के साथ सर्वसम्मति से पारित किया। हमारे पास आज की संसद की कार्यवाही आई है, राज्यसभा की कार्यवाही आई है, लेकिन चूंकि करुणानिधि जी का देहांत हो गया इसकी वजह से शायद जो है पार्लियामेंट मुलतवी कर दी गई है, लेकिन सरकार के राज्यसभा के कार्यवाही में अब इस बिल को पारित करना आ चुका है। सरकार चूंकि एक कदम आगे चली है इसलिए हमने भी सोचा कि सरकार के इस कदम को सकारात्मक तौर पर लेते हुए
हम फिलहाल इस बंद को मुलतवी करते हैं, लेकिन हमारे जितने काम हैं, हमारी जितनी कार्रवाई है, जितने धरने प्रदर्शन होने वाले हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से वैसे के वैसे ही होंगे। हमारी इस कानून के बारे में हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा कानून है 100 साल के संघर्ष का नतीजा था। 1917-18 में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसको गांधी जी का भी सहयोग मिला, और आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसके तहत अनटचेबिलिटी को इस देश से अनलॉफुल कर दिया गया और इरेडिकेट घोषित कर दिया गया। लेकिन जैसा कि होता है, समाज में जो भावनाएं होती हैं वो केवल कानूनों से नहीं जाती। फिर भी 1956 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया गया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी को पनिश करने की का फैसला किया गया। उसी कानून को सुधार के सन 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बनाया गया, और जिसके तहत ये तय किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन चूंकि वो कानून भी उतना प्रभावी नहीं था, इसलिए राजीव गांधी जी के समय में सितंबर के महीने में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट संसद में पारित किया गया। 11 सितंबर को 1989 में उसको नोटिफिकेशन दे दिया गया। कुछ एक मंत्री जो ये दावा कर रहे हैं कि ये कानून वीपी सिंह की सरकार के वक्त में आया था, हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि वो मंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो मंत्री छाती पीट पीट के आज ये दावा कर रहे हैं कि इस कानून के लिए और दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, वो एक साल वीपी सिंह की सरकार में मंत्री थे। उस दौरान इस कानून के रूल्स भी वो नोटिफाई नहीं करवा पाए, नहीं बना पाए। रूल्स इस कानून के 1995 में नोटिफाई हुए। वो मंत्री जो इस भारत बंद का श्रेय लेना चाहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि वो जब जब देश में मंत्री बने हैं दलितों के नाम पर, तब तब दलितों के संवैधानिक अधिकारों को कुचला गया है। उदाहरण के लिए, जब वो रेल मंत्री थे 1997 से 98 तक, तब भारत सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले 5 ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू किए थे, जिसके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति का बड़ा आंदोलन हुआ और सरकार को फिर वो वापस लेने पड़े। उनके मंत्री रहते वो 5 दलित विरोधी अध्यादेश जारी हुए थे, और अब वो इस सरकार में मंत्री हैं, तो उनके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उनकी सरकार के ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा कि इस एक्ट का दुरुपयोग होता है। जब तक अनुसूचित जाति जनजाति के समाज ने पूरा दबाव नहीं लगाया, तब तक किसी के कान पर जू नहीं रहेगी। इसलिए हम ये साफ करना चाहते हैं कि ये समाज अब किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी मंत्री, किसी भी सरकार के दबाव में आने वाला नहीं है, और हम लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं ये जरूर इंगित करना चाहता हूं कि इस पूरे हमारे लड़ाई में न केवल हम 131 शेड्यूल कास्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास गए,
बल्कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी गए और उनको हमने समर्थन की चिट्ठी सौंपी, जिसमें प्रमुख हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी, टीएमसी की प्रेसिडेंट और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता डी राजा जी और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी। हम उन सबका, अगर ये सब लोग हमारे समर्थन में खड़े नहीं होते तो हमें शायद हम इस उद्देश्य को पूरा तो कर लेते, लेकिन हमको थोड़ा और लंबा समय लगता था। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये आंदोलन का एक पड़ाव था जो हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और अगले पड़ाव के लिए हम जल्दी ही सड़कों पर दोबारा उतरने वाले हैं, और सरकार यदि हमारी बाकी 20 मांगों को, जिसमें हमारी ये भी मांग है कि जो रासुका में बंद हमारे 5 दलित नेता हैं, जो हमारे 5 दलित नेता हैं, उन दलित नेताओं को से रासुका हटाया जाए, और चूंकि राज्य सरकार रासुका बिना केंद्रीय सरकार के अनुमति के नहीं लगा सकती, इसलिए हम ये मानते हैं कि केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार के साथ मिलके उनको रासुका उन पर से हटाए। उन 5 लोगों के नाम हैं चंद्रशेखर आजाद, सोनू, उपकार भावरे, योगेश वर्मा, शिव कुमार प्रधान जो शब्बीरपुर गांव जहां आग लगाई गई थी उसके इलेक्टेड प्रधान शिव कुमार। इसके साथ हम सरकार को यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो हजारों लोग 2 अप्रैल के बंद के बाद गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, जिनको अभी जमानतें नहीं दी जा रही हैं और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको भी सरकार अविलंब निकाले। हम सरकार को थोड़ा सा मोहलत इसलिए देना चाहते हैं कि शायद सरकार भारत बंद को लेकर परेशान रही होगी, तो इसलिए हम उसको मुलतवी करें कि हमारी बाकी जो 20 मांगे हैं, जिसमें इंडियन जुडिशियल सर्विस को स्थापित करना, भूमिहीनों को जमीनें बांटना, अनुसूचित रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा, रिजर्वेशन पर कानून जो संसद में लंबित है वो 2008 से, निजी क्षेत्र में आरक्षण और तमाम संवैधानिक संस्थाओं में हमारे प्रतिनिधित्व, इसको लेकर हमारी मांग है। हम साथ के साथ जो सरकार ने क्लास 3 और क्लास 4 में जो निजीकरण अपनाया है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि ये जानबूझकर सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के खिलाफ उठाया गया कदम है। सरकार ने नियमित सेवाएं, जैसे सफाई कर्मचारी नियमित सेवा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये कहते हैं कि अगर कोई भी काम नियमित प्रवृत्ति का है तो उसका निजीकरण नहीं किया जा सकता, उसको ठेकेदारी में नहीं दिया जा सकता। सरकार इन प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। हम ये चाहते हैं सफाई कर्मचारियों को अक्रॉस द कंट्री परमानेंट किया जाए, उनको ठेकेदारों की लूट खसोट से मुक्ति दिलाई जाए, और जो भी सरकारी कर्मचारी सफाई कर्मचारियों को सीवर में बिना सेफ्टी उपकरणों के उतारता है या बाध्य करता है, उसके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए।